जय साथी, 69 हज़ार शिक्षक भर्ती पे आरक्षण को लेकर माननीय हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में 69 हज़ार में नियुक्त उन सभी शिक्षकों के मन में ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। या 69 हज़ार शिक्षक भर्ती से जुड़े उत्तर प्रदेश के उन सभी तमाम अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए ये न्यूज काफी महत्वपूर्ण हो रहा है, और आने वाले जो 69 हज़ार शिक्षक भर्ती के बाद जो अन्य भर्ती के इंतजार किए जा रहे हैं, उस भर्तियों को भी सोचकर उनके जहन में भी कुछ बातों को जानना और पढ़ना समझना भी बेहद जरूरी है। कौन बाहर होगा, कौन अंदर होगा, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है, हम इसके एक एक बिंदुओं पर, एक एक पहलुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, आप लोग 69 हज़ार शिक्षक भर्ती में जो चयन सूची के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट बेंच ने एक बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की, जो 1 जून 2020 को 1 जून 2020 को 69 हज़ार लोगों की जो चयन सूची जारी की गई थी, सरकार को उससे पुनर्विचार करने के लिए आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा है कि 3 माह में समीक्षा कर अभ्यर्थियों की जो मेरिट सूची है उसे तैयार किया जाए। इसके साथ ही न्यायालय ने इस भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त जो 6800 अभ्यर्थियों की सूची 5 जनवरी 2022 को जारी की गई थी उसे खारिज कर दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला जी की एकल पीठ ने महेंद्र पाल व अन्य की याचिका के सुनवाई पर करते हुए पारित किया। इसमें से कुछ याचिकाओं का चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी में जगह दी गई है जिन्होंने अनारक्षित वर्ग के लिए तय कटा मार्क्स प्राप्त किए, जबकि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया जिन्होंने टीटी व सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसे हम सुपर टेट के नाम से जानते हैं, परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले लिया था। इन याचिकाओं में एक बार आरक्षण का लाभ देने के बाद अनारक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन किए जाने के विधि विरुद्ध, कानून के विरुद्ध बताया गया है। वहीं 2 याचिकाओं में आरक्षित वर्ग 6800 अभ्यर्थियों की जो 5 जनवरी 2022 की चयन सूची थी उसको चुनौती दी गई थी, उसे कोर्ट ने, न्यायालय ने रद्द कर दिया। न्यायालय ने सभी याचिकाओं पर एक साफ सुनवाई के उपरांत पारित अपने निर्णय में कहा कि टीटी में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है, क्योंकि टीटी एक अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए एक मानक है। न्यायालय ने आगे भी कहा कि सहायक अध्यापक जो सुपर टेट परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है उन्हें आरक्षित श्रेणी में, अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। न्यायालय ने अपने टिप्पणी में और स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो आरक्षित श्रेणी के जिन अभ्यर्थियों ने 65% या अधिक मार्क्स प्राप्त किए हैं उन्हें अनारक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा। न्यायालय ने सर उच्च न्यायालय ने 6800 पदों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से संबंधित चयन सूची को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया। उक्त जो चयन सूची थी यह कहते हुए चुनौती दी गई थी, इसे बिना किसी विज्ञापन के ही जारी कर दिया गया है। न्यायालय ने अपने इस निर्णय में सरकार को भी आदेश दिया कि वह मामले में हस्तक्षेप करते हुए उन अभ्यर्थियों को समायोजन के लिए पॉलिसी बनाए, नियम बनाए जो वर्तमान सूची में है। वह 2 वर्ष में काम कर रहे हैं लेकिन पुनरीक्षित सूची जारी होने पर बाहर भी हो सकते हैं। ऐसे तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कौन इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर होगा, कौन अंदर होगा। इसको लेकर तमाम खबरें भी आपको देखने के लिए मिल रही होगी। अब 69 हज़ार में मैं भी चयनित हूँ और आप भी चयनित हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चयनित हैं और इस बात को लेकर अंदेशा लगा है उनके साथ क्या होना है। जी हाँ, 3 महीने का समय दिया गया है कि इस 3 महीने के में फिर से माननीय सरकार नियमावली बनाए, इनकी चयन सूची बनाए, मतलब नियमावली किसकी, चयन सूची की, आरक्षण के आधार पर फिर से एक चयन सूची जारी करें। लेकिन इन 3 महीनों तक किसी भी शिक्षक को किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना किया जाए, मतलब किसी प्रकार से उन्हें परेशान ना किया जाए, उन्हें अंदर या बाहर ना किया जाए। यूपी में 69 हज़ार सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का यह सबसे बड़ा फैसला है। कोर्ट ने 69 हज़ार सहायक शिक्षक भर्ती की लिस्ट को गलत माना है और कहा है कि 19 हज़ार से अधिक सीटों पर आरक्षण में विसंगतियां पाई गई हैं। अब इस विसंगतियों के लिए तमाम तरह से, तमाम बार खबरें आ रही हैं, अलग अलग लोग अफवाहें फैला रहे हैं, तमाम तरह की खबरें आप सभी को जानने को मिल रही है। लेकिन जो अभ्यर्थी चयनित हैं, जिन्होंने 69 हज़ार शिक्षक भर्ती में अपना जगह बना लिया है, वो थोड़ा सा धैर्य रखें, चीज़ों को 1-2 दिन के बाद और साफ और स्पष्ट हो जाएगा, चीज़ें एकदम आपके सामने आ जाएंगी।
69वें शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने दोबारा लिस्ट बनाने का भी आदेश दिया है। जी हाँ, हाईकोर्ट ने कहा है कि माननीय सरकार 3 महीने के अंदर फिर से नई लिस्ट बनाए और उसे फिर से जारी करके उन लोगों को दे, क्योंकि लखनऊ हाईकोर्ट ने सोमवार को जो अपना आदेश जारी किया 69,000 शिक्षक भर्ती की, उसको मौजूदा जो लिस्ट है उसे गलत माना है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार लिस्ट में अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी सहित ओबीसी, एससी वर्ग का जो 27% और 21% का आरक्षण है वो उसे दिखाए। आरक्षण घोटाले का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने कई सालों तक धरना भी दिए, मतलब 3 सालों से अगर देखा जाए तो धरना भी दिए हैं, और 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण घोटाला होने की बात कही जा रही है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की भी कहना है कि 19,000 से अधिक आरक्षण के मुकाबले सरकार ने 6800 सीटों पर जो आरक्षण दिया था वो भी कम है। 5 जनवरी 2022 को घोटाला स्वीकार कर 6800 की लिस्ट निकाली गई थी, ऐसा अभ्यर्थियों ने, याचिकाकर्ताओं ने ये आरोप लगाए हैं। लेकिन 19,000 से अधिक आरक्षण घोटाले के सापेक्ष 6800 सीट पर आरक्षण गड़बड़ स्वीकार करने के लिस्ट को हाईकोर्ट ने पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा 6800 की लिस्ट को भी खारिज की जाती है, फिर से लिस्ट बनाई जाएगी जिससे पूरी तस्वीर जो होगी वो साफ और स्पष्ट होगी। 8 दिसंबर 2022 को लखनऊ हाईकोर्ट ने आरक्षण घोटाले पर आर्डर रिजर्व किया था। जी हाँ, 8 दिसंबर 2022 को लखनऊ के हाईकोर्ट ने इस आरक्षण घोटाले पर 6800 के पदों पर अपना आर्डर रिजर्व किया था। हाईकोर्ट का निर्णय यूपी सरकार के लिए एक झटका माना जा रहा है, जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रही थी। माननीय सरकारें चाहती थी जल्दी से भर्ती प्रक्रिया पूरी और नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, लेकिन बीएड बीटीसी 6800 एक नंबर के इन ऐसे तमाम ऐसे सवाल, ऐसे प्रश्न थे जो 69 शिक्षक भर्ती पर आए दिन प्रश्नचिन्ह लगते रहे हैं। उधर सहायक अध्यापक पदों की भर्ती से वंचित छात्र भी कई बार लखनऊ और जगहों पर कई ज्ञापन भी दे रहे हैं। देखते हैं अब इस नई जो लिस्ट होती है उसमें क्या होगा। अब एक सवाल आ रहा है कि जो 69,000 में चयनित अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा, उन पर क्या गुजर रही होगी, जिन्हों को ये लग रहा होगा कि उनकी सीट जा सकती है, कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने मैसेज या व्हाट्सएप किया है कि सर मैं सामान्य कैटेगरी से हूँ, मुझे क्या होगा, क्या मेरी नियुक्ति को चैलेंज किया जा सकता है, क्या मेरे नौकरी पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है, ऐसे तमाम सारे सवाल हैं। लेकिन इसकी तस्वीर कुछ 2 से 4 दिनों के बाद एकदम साफ और स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि अब कैटेगरी, सब कैटेगरी, 21% 27% इन आरक्षणों की लिस्ट कोर्ट में लगनी है। लेकिन इसके आधार पर अब घबराने की बात नहीं है, माननीय सरकार डबल बेंच जाएगी, अभ्यर्थी भी डबल बेंच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अभी प्रक्रिया कितनी लंबी चलेगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ अभी तक हाल फिलहाल में 6800 पदों पर झटका लगने के साथ साथ कहीं न कहीं आरक्षित श्रेणी में जो 50% से ज्यादा आरक्षण का लाभ नहीं दिया सकता और जो अभ्यर्थी 65% के ऊपर मानक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें सामान्य कैटेगरी में रखा जाएगा, इसको लेकर एक तमाम तरह के जो माने जा रहे हैं कि घोटाला हुआ है वो 19,000 से ज्यादा पदों पर हुआ है। अब देखना है कि अब तस्वीर कैसी होती है। आप लोग ध्यान रखें, घबराएं नहीं, हम इसके एक एकल वीडियो और लेकर आएंगे जहां पर हम कोशिश करेंगे इस पर आपके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के आधार पर एक एक करके वीडियो बनाएं। अगर आपके कोई व्यक्तिगत सवाल है तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं, ई-लर्निंग विद दुर्गेश इस चैनल पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिसके आधार पर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके सभी सवालों को लेकर, क्योंकि मैं भी 69,000 शिक्षक भर्ती का एक अभ्यर्थी रहा हूं। और अगर आप भी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी रहे, आपके मन में, आपके जहन में अगर कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अब आपको क्या करना है इसके लिए भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे और आप पर भी हम आपकी तस्वीर साफ करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि मुझे जब भी समय मिलता है मैं चैनल के माध्यम से आप लोगों की समस्याओं को सुलझाने का और अपने ज्ञान अब तक पहुंचाने का काम करता हूं। और मैं निशुल्क देशित में राष्ट्रित में अपनी शिक्षा को अब तक भी पहुंचाने का प्रयास करता हूं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा और सभी मित्रों को शेयर करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको डर जो होगा वो डर निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी आपके साथ माननीय सरकार भी है और न्यायालय के बाद भी अगली प्रक्रिया होनी है, इसलिए आप लोग धैर्य रखें, घबराए नहीं और देखते हैं आगे एक एक कदम पे आगे क्या होने वाला है, और आप लोग धैर्य बनाए रखें। और खासकर कहा जा रहा है कि जो जैसे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सामान्य श्रेणी के हैं उनके ऊपर रडार है, तलवार लटकी है और उन
समान श्रेणी के अभ्यर्थी कह रहे, ओबीसी के अभ्यर्थियों, एससी के अभ्यर्थियों, एसटी के अभ्यर्थियों, उन पर तलवार लटकी है, उनकी नौकरी जा सकती है, इसे तमाम तरह के सवाल हैं। जैसे अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूँ तो मैं, हमारा टेट है सामान्य श्रेणी में है, सुपर टेट सामान्य श्रेणी में है, गुणांक भी सामान्य श्रेणी का है और मैं ओबीसी का अभ्यर्थी रहा हूँ, तो इस दशा में मुझे सामान्य श्रेणी में रखा गया है, ओबीसी कैटेगरी में रखा गया, यही मेन ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर यह पूरी सुनवाई हुई है। जो 69,000 में आरक्षण की बात कही जा रही है, सबसे प्रमुख और सबसे मुख्य बिंदु यही है कि अब जैसे मैं जौनपुर में नियुक्ति मुझे मिली है तो मुझे किस श्रेणी में मिली है, यह इसी तरह से पूरे 69,000 शिक्षकों की अब सबमिट करके कैटेगरी वाइज जिनके गुणांक के हिसाब से माननीय न्यायालय में सबमिट करना है, रखना है। इसके लिए आप लोग घबराए नहीं, धैर्य रखें, देर है अंधेर नहीं, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और जब से 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तब से मैं आपके साथ था, आगे भी साथ रहूंगा और आगे आपको एक एक करके क्रमवार रूप से मैं वीडियो देता रहूंगा। अगर आपके कोई व्यक्तिगत सवाल है, कोई व्यक्तिगत प्रश्न है, तो इलर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। और सभी शिक्षकों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि 3 महीने का समय मिला है कि फिर से चयन सूची बनाई जाए, चयन सूची के आधार पर फिर से 3 महीने तक डिस्टर्ब नहीं किया। क्या मतलब सवाल आ रहा है कि सर क्या 3 महीने के बाद डिस्टर्ब किया जा सकता है, क्या 3 महीने के बाद नौकरियां जा सकती हैं, ऐसे भी तमाम सवाल आ रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और आगे भी बने रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आप सभी ने अपने परिवार, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा किया है, सपनों को साकार किया है। आपको भी अपने हक अधिकार के लिए न्यायालय के पास जाना है और न्यायालय हमेशा आपके हित की बात करेगा। और अभी तक माननीय न्यायालय के फैसलों को हम सही दृष्ट मान करते हैं और हम उम्मीद करते हैं माननीय सरकार भी न्यायालय के फैसले के आधार पर ही फिर से चयन सूची बनाएगी और किसी का भी नुकसान नहीं होगा। सभी अभ्यर्थियों जिनको उनका हक है, उन सभी का उनका हक और अधिकार मिलेगा, किसी को वंचित नहीं किया जाएगा उनके हक और अधिकार से। और माननीय सरकार भी आपके साथ है, सबका साथ सबके विकास के साथ है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी बने रहेंगे और जिनके अभ्यर्थियों का, जिनकी भी नियुक्ति नहीं हुई, जिनके आरक्षण से उनको नुकसान हुआ है, आहत हुआ है, उनके भी पदों पर नियुक्ति होगी। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि क्या 69,000 पर ही नियुक्ति होगी, या जैसे अगर मान लिया जाए 10,000 पद पर विसंगतियां आती हैं तो क्या 10,000 पदों पर और नियुक्तियां की जाएंगी, ऐसे तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं। लेकिन 68 सूची रद्द होने से बात साफ और स्पष्ट है कि अब जो भर्ती होनी है वो 69,000 पदों पर होनी है। अब जिनके जो आरक्षण के बाहर हैं और जिन्हें गलत तरीके से नौकरी मिली है उनका क्या होगा, ऐसे तमाम तरह के सवाल जो है उसके लिए मैं फिर से एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों के मन में ऐसे तमाम सारे सवाल भी उठ रहे होंगे। आप लोग वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और नए शिक्षक भर्ती को अब जैसे इस तरह जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती का जो अध्याय है ये बंद नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिल पाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो सपना है उस पर प्रश्न लगा रहेगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है, माननीय सरकार ये मान रही है कि 51,000 पदों पर पद खाली, इसलिए नई आने वाले चुनाव के आसपास आपको एक नई भर्ती देखने को मिलेगी। क्योंकि आपने देखा ट्विटर के माध्यम से भी ट्वीट किया गया था जहां पर बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की बात कही जा रही है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, साथ बना रखिएगा, हम आपके साथ है, आपका परिवार आपका साथ है। अफवाहों से बचेगा, इलर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज पर जुड़े रहेगा, कोई भी अपडेट होगा इलर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज के माध्यम से आपको अपडेट मिलती रहेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।